नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें अगर अपने ड्रूपल के कंटेंट में अगर हमें कोई चीज़ें बल्क में इंपोर्ट करानी हो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग CSV या एक्सेल की कोई फाइल को हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, जैसे कि हम लोग कोर PHP में करते हैं, तो इस ड्रूपल में वैसा कैसे हम लोग करेंगे कि कोई हमारे पास CSV है, उसमें हमारा कंटेंट है और नंबर ऑफ़ रोज हैं, तो उसको हमें अपने ड्रूपल में इंसर्ट कराना है। दोस्तों, उसके लिए हम लोग एक मॉड्यूल यूज़ करेंगे जो कि पॉपुलर है, इसका नाम है फीड्स, जो कि काफ़ी यूज़फुल है ड्रूपल के लिए। देखिए, ये नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले अपने लोकल मशीन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। अभी इसका ड्रूपल 7 हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका बीटा वर्जन है, तो ये हम रिकमेंडेड कर रहे हैं, तो हम यही यूज़ करेंगे। और इसको डाउनलोड करने के बाद अपने लोकल मशीन में देखिए, यहाँ पर हमारा फीड्स जो आ रहा है, हमारा जो लेफ्ट सेक्शन है फीड्स जो यहाँ पर है। दोस्तों, ये जो ड्रूप मॉड्यूल का जो डिज़ाइन या लुक जो डिफरेंट लग रहा है, तो ये एक मॉड्यूल है फिल्टर करके, मॉड्यूल फिल्टर जो कि ड्रूपल में है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये फंक्शनैलिटी देता है कि आपको मतलब ईजी तरीके से मॉड्यूल आप सर्च कर सकते हो और इस तरीके से लिस्ट बन जाती है, ठीक है। तो हम फीड्स में जाएंगे। फीड्स में वहाँ पर हमको दो मॉड्यूल आपको इनेबल करने हैं, पहला फीड्स, दूसरा UI, जो कि जहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके UI को सेट करने के लिए हम उसके कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ठीक है। तो ये UI आ गया। यहाँ पर क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हमारे पास फ्रेश आएगा तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले हम लोग ऐड इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐड इंपोर्ट करने के बाद, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक किया हुआ है इंपोर्ट कंटेंट टाइप, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे आप। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ केवल। अब यहाँ पर ये डालेंगे, यहाँ पर वो नाम डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे कि नाम डालने के बाद आपको पास ऐसे एक पेज आएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो सारी सेटिंग आपको यहाँ करनी है, ठीक है। ये इंपोर्टर हम बना रहे हैं अभी, इंपोर्टर बनाने के बाद हम इसमें ऑप्शन देंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले बेसिक सेटिंग में, यहाँ पर देखते हैं क्या क्या, जो कि हमने नाम दिया था इंपोर्ट कंटेंट टाइप, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दिया था, या अटैचमेंट टू कंटेंट टाइप भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, ठीक है, स्टैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सब ऐसे ही डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहेगी। उसके बाद हम लोग आएंगे फीचर में, यहाँ पर हम लोग पास दो ऑप्शन है, फाइल अपलोड का और एक HTTP का। तो हम लोग अभी HTTP के थ्रू करेंगे नहीं, हम लोग फाइल अपलोड करेंगे लोकल से। तो हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फाइल अपलोड, ठीक है, इसको सेव कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आइएगा। फाइल अपलोड में हमने क्या करना है, फाइल अपलोड में हमें ये डिफ़ॉल्ट फाइल जो हमारे एक्सटेंशन है वो हम अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको आप सेव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर हमें CSV अपलोड करनी है दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो होती है वो हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसको सेव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे प्रोसेसर में, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आर्टिकल अपडेट करा रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिकल हमारा नोड आ गया, तो हम लोग नोड टेक्सोनॉमी हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, यूज़र भी यहाँ से एक साथ बल्क में इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर नोड अपडेट जो हमने सेलेक्ट है, जो हमने नोड आप सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नोट प्रोसेसर पाएंगे, यहाँ पर जो कि हम लोग इस सॉरी इसमें हम लोग कंटेंट आर्टिकल नहीं अपडेट करा रहे हैं, मैंने एक नया यहाँ पर नया एक आर्टिकल कंटेंट टाइप बनाया हुआ है जो कि टेस्ट है, जो कि हम कंटेंट टाइप में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा देख रहे हैं यहाँ पर टेस्ट कंटेंट, ठीक है। यहाँ पर लोग मैनेज फील्ड में जाकर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, केवल टाइटल और बॉडी लिए, ठीक है, यही दो चीज़ हम लोग यहाँ पर अपडेट भी कराएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग आर्टिकल अपडेट नहीं करा रहे हैं, आप आर्टिकल भी अपडेट कर सकते हैं। अब करना आपको क्या पड़ेगा कि यहाँ पर बंडल जो आपका वो आर्टिकल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने एक नया कंटेंट टाइप यूज़ किया है तो उसमें नया कंटेंट टाइप हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट अ न्यू रोड, ठीक है, न्यू नोड्स इंसर्ट होगा, ठीक है। अगर एग्जिस्टिंग नोड होगा तो वो उसको अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर ये सेटिंग है, तो आप यहाँ पर ये कि अगर ऑलरेडी वो पहले से पड़ा होगा उसी नोड, तो वो आपको यहाँ पर अपडेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेट हमारा प्लेन रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी सब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। यहाँ पर आपका अनोनिमस आ रहा होगा, आप यहाँ पर एडमिन सेलेक्ट कर लीजिएगा तो वो एडमिन के थ्रू कंटेंट ऐड किए हुए रहेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ एक्सपायर नोट्स की भी फैसिलिटी दी हुई है कि आपको जो भी आपने CSV के थ्रू अपडेट कराया वो आप कितने टाइम पीरियड बाद एक्सपायर हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ से वो सेटिंग है, आप एक्सपायर
चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसको यहाँ पर सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मैपिंग का। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, कि आपको अपने नोड, जो भी हमारे पास नोड है उससे आपको अपनी फील्ड्स की मैपिंग करनी है। तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास दो ही है, टाइटल है और बॉडी है, तो हम लोग इसको अपने थ्रू टाइटल और बॉडी को ऐड करेंगे। वो आपको कैसे ऐड करना है, आपको यहाँ लिखना है, आपके पास ब्लैंक आ रहा होगा, आपको यहाँ लिखना है टाइटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको इसमें आ रहा होगा आपका टाइटल। ठीक है, जरा टाइटल, तो आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद सेव हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको बॉडी ऐड करनी है। ठीक है, बॉडी ऐड की तो बॉडी ऐड कर देंगे इसी तरीके से, हम बॉडी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी बॉडी, यहाँ पर बॉडी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सेव करने के बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ जो भी हम अपलोड करने वाले हैं। इसमें ये जो नेम है, जो हेडर है हमारा CSV फाइल का, टाइटल और बॉडी, ये हमारा इससे मैच करना चाहिए, सोर्स से। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये बाय मिस्टेक मत कीजिएगा कि यहाँ पर कुछ और लिखा है आपने और यहाँ पर कुछ और लिखा है, तो ये एरर आएगी। ठीक है, तो ये जो सेम है, जैसे टाइटल यहाँ पर तो टाइटल यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, सेम। ठीक है, केस सेंसिटिव, ठीक है, स्मॉल है तो स्मॉल। ठीक है, उसके बाद सेव करने के बाद हमारे पास एक URL आएगा, हमारे पास इम्पोर्टर। ठीक है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट करके आएगा, शायद इम्पोर्ट नहीं है, इसमें ऑप्शन होता है कहीं, लिंक अगर मैं दिखाऊं तो, हाँ जैसे कि हम लोग गए थे अपने मॉड्यूल में कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टर हो गया। ठीक है, हम लोग इम्पोर्टर इम्पोर्टर, ठीक, शायद इम्पोर्ट ही होगा, इम्पोर्ट यही है दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा इम्पोर्ट कंटेंट टाइप जो कि हमने बनाया था, इम्पोर्ट कंटेंट टाइप। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया इम्पोर्ट कंटेंट टाइप। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ दिया नहीं था, तो हम लोग यहाँ इसको क्लिक करेंगे तब ये हमारे पास ऑप्शन आएगा, जो कि मैंने यहाँ पहले कुछ अपडेट कर रखे हैं, अपलोड कर रखे हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, अगर आपने नो हेडर यूज़ किया है, अगर आपने हेडर नहीं यूज़ किया है तो आपको ये चेक करना है, अगर यूज़ किया है तो अनचेक करना। ठीक है, बाकी जो CSV की सेटिंग है, कॉमा सेपरेटेड और ये फाइल इनकोडिंग, वो ऐसी रहेगी। अब यहाँ दोस्तों हम लोग अपनी फाइल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी टेस्ट इम्पोर्ट करके, जो कि हमारी फाइल है टेस्ट इम्पोर्ट CSV, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैसेज आ गया, फोर नोड क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पर फोर नोड है, 1 2 3 4। हम लोग कंटेंट में चल के देखते हैं, तो ये देखिए फोर नोड क्रिएट हुए, जो कि ठीक है, जो कि हमारे कंटेंट टाइप था टेस्ट कंटेंट। तो दोस्तों ये था कि हम लोग कैसे CSV अपने ड्रूपल मशीन में कैसे अपलोड करें यूजिंग फीड मॉड्यूल। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए ड्रूपल के जो टास्क हैं वो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।